आदाब जयहिंद, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर जलगांव शहर से। जलगांव शहर में धुलिया निवासी शेख जाफर अब्दुल कादर अपने परिवार सहित उच्च शिक्षण सह संचालक कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। एक समय में शेख जाफर धुलिया में पीआर घोगरे विद्यालय में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे। सुनिए उनकी जुबानी। मैं जाफर शेख, मैं मेरे पिताजी के अब्बा की जगह के ऊपर 2004-05 से सफाई कर्मचारी सिपाही की जगह पे काम कर रहा था। संस्थे ने मेरे को 2004 से लेकर 2012 तक के कायम किया, नहीं नॉन ग्रैंड सैलरी में रखा मेरे को। और 2010 के अंदर जो ये भर्ती किया है, तीन लोग जो मैं मान जो सह संचालक से मैं जिसकी माहिती मांग रहा हूँ 6 महीने से, वो दे नहीं रहे। और मैं 2012 के अंदर संस्थे के ऊपर मैंने जो केस किया कि भाई ये इन्होंने मेरे को बेकायदेशीर तरीके से यानी कम किया है और मेरे को शासन के नियम से कुछ दिया नहीं है। और 2010 के अंदर शासन के नियम पर मैंने भर्ती ना करते हुए डायरेक्ट हेड ऑर्डर दिया है उनके नजीक के लोगों को, इसलिए मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया था। 52 महीने के बाद मेरे तरफ से निकाल लगा है और निकाल लगने के बाद भी संस्थे के अध्यक्ष ने निकाल को बिल्कुल एक तरफ कर दिया और उनका कहना ऐसा पड़ रहा कि हम निकाल को मानते नहीं। और 85 दिन के बाद में एक रिवीजन दाखिल कर दिया है जो उनके पुरावे के लिए न्याय प्रविष्ट है। ठीक है, वो न्याय प्रविष्ट है, जो भी न्याय और आगे जो भी न्याय मिलेगा अच्छा मिलेगा। उसके बाद में उन्होंने अभी 2018 के अंदर सह संचालक साहब ने तीन लोगों को बेकायदेशीर भर्ती किया है, बिल्कुल बेकायदेशीर भर्ती किया है। कोई भी शासन के नियम, कोई भी नियम पड़ताड़नी वगैरह, कोई भी प्रोसेस पूरी किए नहीं इन लोगों ने और भर्ती किया है बेकायदेशीर है, ये मेरा कहना है। और जो माहिती मैं मांग रहा हूँ इनसे, वो माहिती ये देते नहीं। 6 महीने से टालम टाल कर रहे, कभी संस्थे से लो, कभी बोलते ये उनसे लो, कभी बोलते आपको जहाँ जाना है वहां जाओ, आपको अपील में जाना है तो अपील में जाओ, आपको जैसा करना है वैसा करो, ये लोग इनका कहना ऐसा पड़ता। जबकि देने वाले ये लोग है, ये लोग मान्यता देते तो मान्यता देते टाइम ये लोग देखते नहीं क्या कि ये जो कुर्सी से बरोबर है क्या, पड़ताड़नी बरोबर है क्या, ये बरोबर नियम कायदे से हो रहा है क्या। नियम कायदे से कुछ भी नहीं हो रहा है संस्था के अंदर, ये मेरा कहना है। और इन्होंने मुझे रिस्टर सब माहिती देने का, और अगर इनका माहिती अगर ये सब रिस्टर दे देते तो मेरा ऑपरेशन स्थगित हो जाएगा, और नहीं अगर ये लोग माहिती देते तो मेरा ऑपरेशन चलता रहेगा। क्योंकि मैं अभी पूर्ण तरीके से मेरा संसार इन लोगों ने उद्ध्वस्त किया है और मेरा कोर्ट का निकाल लगने के बाद भी इन्होंने मुझे नहीं दिया है और बेकायदेशीर तरीके से इन्होंने भर्ती किया है, ये मैं सिद्ध कर ये सिद्ध भी हो गया है। और ये लोग जो है तो इन्होंने मुझे ये सब की पूरी माहिती और अच्छी तरीके से मुझे देने का और मेरे को ये चौकसी करने का है, ये मेरा आखिरी ये है, समझ लो बस।